अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि वी मैक्स HX708 हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने का तरीका कार बताइए और ओवरऑल ये कैसा हेलीकॉप्टर है इसके बारे में रिव्यू कीजिए। सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और फ्लाइंग टेस्ट करेंगे वी मैक्स HX708 टू चैनल आरसी हेलीकॉप्टर। सो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो व्यूअर्स, इसके साथ हमें इंस्ट्रक्शन गाइड मिलती है, प्लस इसके साथ इंफ्रारेड कंट्रोलर मिलता है और इसके बैटरी पैनल को खोलकर इसके अंदर बैटरीज इंसर्ट करेंगे और इसमें डबल ए साइज की 6 अदद बैटरीज इंसर्ट करेंगे। और बैटरीज हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज कीजिए क्योंकि इन बैटरीज के थ्रू ही ये हेलीकॉप्टर चार्ज होता है। इसके साथ कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग सिस्टम नहीं आता। अगर आपने इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग सिस्टम बनाना है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस हैं उनमें आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको फॉलो करके आप इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग सिस्टम बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बटन को ऑन करते हैं और इसको चार्ज किस तरह से करना है, आपने हेलीकॉप्टर को ऑफ करना है, रिमोट को ऑन कर लेना है और इस तरह से ये चार्जिंग केबल इसमें इंसर्ट करेंगे तो इस पर ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और ग्रीन लाइट जब खुद ब खुद ऑफ होगी तो इसकी बैटरी फुल हो जाएगी। सो इसके बटन को ऑन करते हैं और इसकी ट्रिम सेट करने का तरीका आपको बताते हैं। अगर आपका हेलीकॉप्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपने राइट ट्रिम बटन को प्रेस करना है और अगर आपका हेलीकॉप्टर क्लॉकवाइज घूमता है तो आपने लेफ्ट ट्रिम बटन को प्रेस करना है। अभी हम चेक करते हैं, हमारा हेलीकॉप्टर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो हमने राइट ट्रिम बटन को प्रेस करना है। और अभी इसकी राइट साइड पे ट्रिम सेट आउट हो चुकी है, सो लेफ्ट ट्रिम बटन को प्रेस करते हैं और अभी थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पे आउट हो चुका है, सो थोड़ा सा बटन राइट प्रेस करते हैं और अभी ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। सो इसको लेफ्ट और राइट टर्न किस तरह से करना है, राइट स्टिक को आप लेफ्ट और राइट करेंगे तो हेलीकॉप्टर लेफ्ट और राइट टर्न करेगा। तो चलिए भी बस इसको फ्लाई करके चेक करते हैं कि ये फ्लाई कैसा करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंडोर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर हैं। जितने भी इंफ्रारेड कंट्रोलर हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये सब इंडोर फ्लाइंग के लिए होते हैं। अगर आप इनको बाहर फ्लाई करना चाहते हैं तो आप शाम के टाइम फ्लाई कीजिए। और ये हेलीकॉप्टर आउटडोर फ्लाइंग के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप इसको कोशिश कीजिए कि इंडोर ही फ्लाई कीजिए और इंडोर फ्लाइंग में भी इसका कंट्रोल काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें रोटेशन ज़्यादा होती है और ज़रा सी स्टिक को आप मूव करते हैं तो ये फौरी तौर पर घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर देखा जाए तो इसकी फ्लाइंग काफ़ी मुश्किल है दूसरे हेलीकॉप्टर्स की निस्बत। और इसकी कंट्रोल रेंज तकरीबन 30 फीट है, प्लस इसकी प्राइस 2600 पाकिस्तानी करेंसी में है और इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको खरीद सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।